देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं वेदिका और आप देख रहे हैं राष्ट्र हिंदी न्यूज। दुनिया में लाखों अंधे लोगों को पढ़ने लिखने में समक्ष बनाने वाले महान वैज्ञानिक लुई ब्रेल का आज जन्मदिन है। फ्रांस के जन्म में लुई ब्रेल खुद एक दृष्टिहीन थे, जिसके कारण उनको पढ़ने लिखने में असमक्षता होती थी। हर साल 4 जनवरी को पूरी दुनिया में विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें, लुई ने मात्र 15 साल की उम्र में ही ब्रेल लिपि की खोज की थी। उनके सम्मान में 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस पहली बार 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था। ऐसे में ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में भी दृष्टिहीन छात्र संस्था द्वारा डिब्रूगढ़ के चौकी डिंगी स्थित डिब्रूगढ़ साहित्य सभा भवन में विश्व ब्रेल दिवस आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में असम फिल्मों की अभिनेत्री बरखा रानी दृष्टिहीन छात्रों के बीच उपस्थित रही। आइए सुनते अभिनेत्री बरखा रानी मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रेल, जो दृष्टिहीन लोग यूज़ करते हैं पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा के लिए, उन वो आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने। तो आज यहाँ पे आसाम डिब्रूगढ़ में अपार असम ब्लाइंड स्टूडेंट्स यूनियन के सभी मेंबर्स ने आज लुई ब्रेल डे यहाँ पे आयोजित किया है और मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। जैसा कि उन्होंने बताया कि शिक्षा सभी का अधिकार है, उन्होंने लुई ब्रेल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लुई ब्रेल ने दृष्टिहीन लोगों के पढ़ाई के लिए एक लिपि तैयार की, जिससे दृष्टिहीन लोगों की शिक्षा जगत से जुड़े रहने की ताकत बढ़ी। कार्यक्रम में लुई ब्रेल की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित करने के साथ ही काफ़ी संख्या में उपस्थित दृष्टिहीन छात्रों ने गीत प्रस्तुत किया, साथ ही सरकार से उनके मिलने वाली सुविधाओं की मांग भी की। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें राष्ट्र हिंदी न्यूज़। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।